हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी कुक्स। मैं हूं आपकी अपनी आरबीजी रोहिणी भगत गुप्ता। चलिए आज बनाते हैं आलिया भट्ट का फेमस बीटरूट एंड दही सैलड, जो कि आपको वेट लॉस वाले डाइट में भी इंक्लूड करना जरूरी है बिकॉज इट इज वेरी मच हेल्दी एंड ऑल्सो टेस्टी। चलिए इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो है, मैं रात को दही को हैंग करना भूल गई थी इसलिए मेरा हंग कर्ड रेडी नहीं हुआ, लेकिन आप मत भूलिए आपको इस सैलड के लिए हंग कर्ड ही यूज करना है, जिसमें कि आपको दही को रात को लटका कर रखना है ताकि ओवरनाइट उसका जो भी फैट्स पानी है वो पूरा निकल जाए एंड आपको एक प्रॉपर थिक हंग कर्ड मिले। सो रिमेंबर कि यूज हंग कर्ड, ओके? तो मुझे माफ कर दो यार, मैं हंग कर्ड नहीं यूज कर रही क्योंकि मैं भूल गई थी। ओके, सो नेक्स्ट इज सॉल्ट। दिस इज बॉइल्ड बीट रूट, ओके? इसको पूरा बॉयल नहीं करना है, आपको हाफ बॉयल करना है एंड देन उसे ऐसे खींच लेना है। उसके बाद चॉप्ड कोरिएंडर, फाइनली चॉप्ड आलमंड्स यानी कि बादाम, राई, करी पत्ता, दीज आर मस्क मेलन सीड्स यानी कि मगज, और यहाँ पर है कच्ची घानी सरसों ऑयल। चलिए अब इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले लीजिए एक बाउल, उसमें ऐड करिए 1 कप ऑफ हंग कर्ड। मैंने रीजन बता दिया कि मैंने हंग कर्ड क्यों नहीं यूज किया है, बट आप लोग हंग कर्ड ही यूज करिए। इसमें डालिए हाफ बीटरूट, बॉइल करके खींच लेना है, धनिया, सॉल्ट। अब देते हैं इसे तड़का। अब इसमें ऐड करेंगे कच्ची घानी सरसों ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे राई। राई को रिमेम्बर अच्छे से तड़कने देना है, अगर वो कच्ची रहेगी जरा सी भी देन योर सैलेड विल बी अ डिजास्टर। फिर ऐड करेंगे करी पत्ता। चलिए हमारा तड़का रेडी हो चुका है, इस पर तड़का देंगे। जे बात, इस पर ऐड करिए थोड़े से बादाम, थोड़ा सा मगज एंड हियर इट इज, आपका सैलेड इज रेडी। चलिए मैं आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ। वाव, जस्ट वाव, कैन नॉट एक्सप्लेन। आप लोग ट्राई करिए, बहुत सिंपल है, बहुत क्रंची है, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है, यमी है एंड हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है एंड अब मैं इसे एंजॉय करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करिए, और आपने इसे ट्राई किया कि नहीं ये भी मुझे बताइएगा। ओके, टिल देन आई टेक अ लीव, बाय, लव यू ऑल टेडियंस।